नमस्कार दोस्तों, आज 4th ऑफ अगस्त 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक हमारे सौजन्य से पहुंच रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहां आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है प्री मार्केट वीडियो के बाद, जैसा कि आपने कल देखा कि फर्स्ट हाफ में हम लोग नीचे गए, फिर सेकेंड हाफ में ताबड़तोड़ रैली आई, तो ये बात बाजार शुरू होने से पहले बताना बहुत मुश्किल होता है। और रियल बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपको टर्निंग पॉइंट्स पे जानकारी मिले। वो टर्निंग पॉइंट्स के लिए किसी तरह का टेलीग्राम कम्युनिकेशन जरूरी है, तो इसके चार्जेस होंगे 1000 प्लस GST पर मंथ, और पेबल ये एनुअली है। यहाँ पे और भी आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जानकारी मिलती है, मेनली ऑप्शंस का ये प्रोग्राम है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस और इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस आपको इस प्रोडक्ट में मिलती हैं। पेमेंट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे हैं, अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो 9871066337 पर कॉन्टैक्ट करें। अब देखते हैं कल क्या हुआ। मैं आपको हर रोज पिछले दिन का एक रिव्यू देता हूं ताकि आपको कुछ उसमें आइडिया लगे कि क्या हो सकता था, हमने क्या किया, और उससे आपको मेरे हिसाब से लर्निंग ज्यादा मिलेगी बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज दूं कि ये होगा वो होगा। ये समझ नहीं बात है एक्सक्यूज मी कि किस तरह से हमने प्राइस एक्शन को रीड किया। कल जब सुबह बाजार खुले तो इनिशियली वो ऊपर गए, ठीक है, और ऊपर गए और एग्जैक्टली तो परसों का हाई था वहां पे, आप देख सकते हैं ये ग्रीन बार टोटली इस रेड बार ने क्लीन आउट कर ली। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट हुए जैसा कि हम हुए थे, तो आपको ये जो है ये परसों के लो तक ऑलमोस्ट पहुंच गया, और वो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो इस डब्लू पैटर्न से इंडिकेशन ये मिला कि 17200 के आसपास बाजार बॉटम आउट हो रहे हैं। और सीधी सी बात ये थी कि नैन्सी पेलोसी को चीनियों ने कुछ नहीं कहा और वो आराम से वापस चली गई। परसों का जो ये डिक्लाइन था लास्ट हाफ एन आवर पे, बहुत सिली डिक्लाइन था, क्योंकि चाइनीज को इतनी अकल है कि वो अपनी इकॉनमी वगैरह सब खराब करके वो 82 साल की बुढ़िया को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहीं एक्सपीरियंस काम में आता है। कल बहुत से लोग पोजीशन कैरी करके इसलिए नहीं गए कि रात को चीनी शायद ताइवान पे हमला कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और आज सुबह आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों ने कैरी किया होगा उनको आज सुबह फायदा होगा। तो ओवरऑल इसमें ये भी देखने की बात थी कि ऑप्शन राइटिंग किस लेवल की हो रही थी। ये है निफ्टी की कल की क्लोज की ऑप्शन राइटिंग। कल दिन में क्या हो रहा था कि बहुत मामूली यहाँ पुट राइटिंग थी और कॉल राइटिंग जबरदस्त थी, वन साइडेड कॉल राइटिंग थी और PCR 0.8 पे था। और जिस तरह की खबर थी, जिस तरह का मोमेंटम था, ये बहुत क्लियर था कि बाजार बहुत नीचे 17200 से नहीं जाएंगे। तो इसलिए समझदारी ये थी कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लोअर लेवल्स पे देखनी थी, ये इस चीज का इंडिकेशन था। बैंक निफ्टी कल एक अंडर परफॉर्मर था, ये बात बहुत क्लियर थी। क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंफोसिस अगस्त कॉल ले सकते हैं 1560 की, स्टॉप लॉस 39, टारगेट 56। आईसीआईसीआई बैंक 830 की कॉल ले सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस 14, टारगेट 26। टाइटन
24:20 की कॉल ले सकते हैं, स्टॉप 70 का, टारगेट 102 का। रिलायंस अगस्त 2600 कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 58 का, टारगेट 92 का। और IGL खरीद सकते हैं 354 का स्टॉप, सेल कर सकते हैं 354 का स्टॉप और 345 का टारगेट। अब आज जो है मेरे हिसाब से बाजार बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है और 17,500 के पार हम कुछ समय ट्रेड करेंगे, और वहां पे मैं अपनी पोजीशन जो मैं कल घर लेकर गया हूँ वो मैं बुक कर लूंगा। फ्रेश ट्रेड आज सुबह नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते क्योंकि गैप अप के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि बाजार साइडवेज हो जाते हैं या पुट राइटिंग किस लेवल की होती है। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ट्रेडिंग करते हुए आजकल आपको दोनों तरफ बहुत बढ़िया स्विंग्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको कभी ये लगे कि आप गलत तरफ फंस रहे हैं तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को काटें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1 लाख से ऊपर का घाटा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लेता हूं, 1 से 1.5 लाख का एवरेज मेरा घाटा होता है, और एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो 3, 3.5, 4 लाख तक होता है। तो इस तरह का रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो आप ओवर 60% ऑफ ट्रेड्स पे मेंटेन कर पाते हैं तो आपको जो है एक मंथली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा रहे। टेक केयर एंड गुड लक।